हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है और एक साल पहले ही स्टार्ट किया मैंने, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और इसके साथ एक ड्रॉबैक ये था कि मुझे फीडबैक आया कि इसमें जो बैकग्राउंड स्कोर है बहुत ज़्यादा लाउड था, तो उसी को मैंने रिपीट किया है उसको, कि मैं लो वॉल्यूम पर मैंने उसको फिर से शूट कर रहा हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो उसको वीडियो से थोड़ा बेनिफिट नहीं ले पाए उनको भी बेनिफिट होगा यहाँ पे। तो इसमें कुछ मैं अलग से चीज़ें भी ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि जो पहले भी देख चुके हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि इसमें जो कौन कौन से पेपर हैं या फिर पेंसिल है जो बहुत ही हेल्पफुल है इनिशियल डेज़ में। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आप जो पेपर है इनिशियल डेज़ में, आप कोई भी एक्सपेंसिव पेपर यूज़ ना करें। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनिशियल डेज़ में आप जब परचेस कर रहे हैं तो प्रिंट पेपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा पेपर का यूज़ होने वाला है। तो ये यहाँ पे हो गया, आप कोई भी ड्राइंग बुक भी ले सकते हैं इनिशियल डेज़ में, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 50 रुपीज़ के करीब में अप्रोक्सीमेट आ जाता है। और उसके अलावा जो पेंसिल है वो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना है। और इनिशियल डेज़ में आपको फेवर कैसल है, अप्सरा है, कैमलिन है, ये कोई भी ब्रांड का आप जो पेंसिल है 4B और 6B यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पेशली 4B और 6B के लिए इसलिए करता हूँ कि ये जो एक इंटरमीडिएट है ग्रेड्स का, जैसे कि 2H होता है, H होता है, 2B होता है, तो इसके अलावा 8B, 10B, 12B, तो हमें ना बहुत ज़्यादा कम भी यूज़ करना है, ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी यूज़ करना है, कि जैसे कि डार्कनेस होती है उसको फ्लो जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते 12B, 10B, 8B का। तो यहाँ पे हम 4B और 6B में बेनिफिट ये है कि इसका जो फ्लो है पेपर पे बहुत अच्छा रहता है और बहुत स्मूथ चलता है ये। तो इनिशियल डेज में आपको जब भी आप फ्लो करें या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो पेंसिल है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और ये जो मैं आपको मेथड्स बताऊंगा, जो टेक्निक्स बताऊंगा, वो बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए कि आप अगर आपने स्केचिंग स्टार्ट की है या फिर आप स्टार्ट कर चुके हो या प्रोफेशनल भी हो चुके हो, तो बहुत लोगों का ये आता है कि मैं स्केचिंग तो बहुत अच्छा कर लेता हूँ, पोर्ट्रेट्स बना लेता हूँ, मैच कर जाता है, लेकिन वो फ्लोज नहीं आ पाते, वो स्ट्रोक्स नहीं आते हैं। तो उसके लिए मैं जो अभी बताऊँगा, ये वार्म अप सेशन है, आपको इसमें बेनिफिट होगा क्लास 1 क्लास 2 में स्पेशली। तो कुछ बेसिक शेप्स भी बताऊँगा मैं, क्योंकि सारी स्केचिंग जो है वो बेसिक शेप से ही डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो है, जो मटेरियल है वो इरेजर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी आर्ट शॉप में मिल जाता है इरेजर, शार्पनर, ये जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ के अराउंड में आ जाता है। तो जो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लाइंस का प्रैक्टिस, क्योंकि हमें लाइंस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम जनरली स्केल का यूज़ कर लेते हैं, स्केल से जो भी हम लाइन बनाते हैं, और हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए स्केल का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि स्केल का यूज़ आप कम से कम करें, और आप हैंड का ही प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको, जो आपने स्केल का यूज़ किया और यहाँ पे आपने खुद से ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो ये आउटपुट जो है आप ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। और जब भी आप पेंसिल को होल्ड करें तो बिल्कुल इसके जो ग्रिपिंग है वो टाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही सॉफ्ट होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हो अभी कि ये सॉफ्ट है। और इसके अलावा 2 फिंगर्स का जो गैप होना चाहिए, आपकी मेथड कोई भी हो, आपने कैसे भी आप पकड़ते हो आप, तो उसमें आपको कैसे कन्वीनियंट होता है पकड़ने में, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी पकड़ते हैं पेंसिल को, बहुत सारे लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, तो उनका कंफर्ट लेवल उस लेवल तक पहुंच चुका है। तो अगर आप इनिशियल डेज में हैं तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है पकड़ने का और फ्लो का। और इसके अलावा जो पेपर पे आप रख देते हो हैंड, वो नहीं रखना है, वो हमें इसमें यहाँ पे इंप्रूव करना है, इसको हमें एयर में ही रखना है। अगर आप चाहें तो ये जो फिंगर है इसको आप सपोर्ट के लिए रख सकते हैं, और पूरा पूरा हैंड मूव होना चाहिए, और ये चीज़ें आपको कभी मूव नहीं करनी है। आप जो ये देख रहे हो यहाँ पे, इसको मूव ना करें, इसको बिल्कुल, ये फॉर्मेशन है, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए जैसे आप कर रहे हो, और कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पे, हाँ ये आपको मूव कब करना है जो मैं आपको बताऊँगा शेडिंग के टाइम पे, और नहीं तो जब तक मैं ना बताऊँ आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ेंगे। और ये जो मैंने लाइन बताया आपको, आपको सिर्फ एक साइड से नहीं करना है, उसको दूसरे साइड से भी करना है, दूसरे साइड से, इसलिए कि जब भी हम एक साइड का करते हैं तो हमारा जो ये सपोर्ट
जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो यहाँ पे, तो एक तरफ में हमारा जो स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है और दूसरी साइड का हम नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो हम इसके लिए हम पेपर मूव करते हैं। तो हमें पेपर मूव नहीं करने, हर एक जो एंगल है हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, और ये 100 times करना है एक जगह पे, फिर दूसरे जगह पे भी 100 times करें, और ये 100 times तब तक करें जब तक आपका जो फ्लो है बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। ऐसे नहीं आना चाहिए ये कि यहाँ पे। और दूसरा एक मैंने बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो है वो तो सही होता है, लेकिन जब भी वो करते हैं तो ये कर्व की तरफ जाता है ऐसे। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है आना, कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी एक डॉट दे दें और फिर आप प्रैक्टिस करें, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी इनिशियल डेज में वो कवर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वो है स्टैंडिंग लाइन जिसको हम कहते हैं, और ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ छोटी नहीं बनानी है आपको, इतनी छोटी नहीं बनानी, और फ्लो जो है आपको ओपन करना है और बड़ा ही होना चाहिए, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, ये दोनों होना चाहिए, और ये भी 100 times प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो स्लांट लाइन, इसका भी प्रैक्टिस आपको करना है। ये तो हो गई लाइंस की बातें, इसकी और लाइंस की बातें हो गई, यहाँ पे भी आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है ऐसे, जैसे आपने ऊपर से नीचे लेके आए नीचे से ऊपर भी लेके जाना है, तो ये ज़रूरी है और इसको आप याद रखें। और इसके अलावा जो है वो है सर्कल। सर्कल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब भी स्केचिंग करते हैं तो ये चीज़ें कि कर्व जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, और लाइन से बहुत ज़्यादा है, इस सारी स्केचिंग है, टेक्सचरिंग है, हर चीज़ें पेंटिंग है सब में, ये आपकी जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो आता ही है, और जो भी बेसिक ऑब्जेक्ट बनते हैं इन सब की हेल्प से ही बनते हैं, जो आगे बताऊंगा मैं। और इसको भी 100 times करें, और एक साइड से आपने किया फिर इसको दूसरे साइड से भी ऐसे करें, तो दोनों साइड से आपको करना है ये जो है ये वाली चीज़ों का। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको थ्रू आउट आपके एंटायर लाइफ में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं चीज़ें, इसको करें, और ये जब तक करें जब तक कि आपका जो सर्कल है वो परफेक्ट ना हो जाए। तो ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है, और प्रैक्टिस करने के बाद ये जो चीज़ें हैं इससे क्या क्या बेसिक शेप्स बना सकते हैं, और वो बेसिक शेप से हम क्या डेवलप करके स्केच में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में। और यहाँ तक के लिए अभी इतना ही बता रहा हूँ मैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ऑनलाइन मेंबरशिप प्लान भी स्टार्ट किया है, जिससे कि आपको इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको वीडियो बना के ट्यूटोरियल बना के दे सकता हूँ, आपको लाइव बता सकता हूँ, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ मैं, और आपकी जो रिक्वेस्ट हो उस पर मैं करूँगा। और जैसे ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मुझे एक फीडबैक मिलेगा कि आपको क्या देखना चाहते हैं और क्या पसंद आ रहा है आपको, तो उसके हिसाब से ही मैं आगे के वीडियोज़ भी बनाऊँगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।